भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में 25 दिसंबर का दिन बेहद अहम है क्योंकि पाकिस्तान ने इसी दिन मां और पत्नी से मिलने के लिए अपने यहां जेल में बंद कुलभूषण से मिलने का मौका दिया। पाकिस्तान ने 21 महीने पहले पूर्व भारतीय सैनिक जाधव को मार्च 2016 में अचानक ईरान की सीमा से उठाया और फिर जेल में बंद कर दिया। बाद में उन्हें फांसी की सजा भी सुना दी। इस बीच पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही किरकिरी से बचने की लगातार कोशिश की। अब वह मानवता के आधार पर खुद को दरियादिल बता रहा है। जानते हैं पाकिस्तान के ऐसे ही 21 पैंतरों ने कैसे एक इंसान की जान मुसीबत में डाल रखी है। पहला पैंतरा जाधव मामले में पाकिस्तान ने पहला पैंतरा 3 मार्च 2016 को चला जब उसने भारतीय नागरिक जाधव को आतंक की साजिश रचने और जासूसी करने के आरोप में ईरान सीमा पर गिरफ्तार कर लिया। हालांकि भारत का दावा है कि ईरान बॉर्डर से जाधव का अपहरण किया गया था। दूसरा पैंतरा पाक सेना ने 3 हफ्ते बाद 24 मार्च को दावा किया कि जाधव रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के एजेंट हैं और पाक ईरान सीमा के निकट जाहिदान के दक्षिण पूर्व स्थित सरावा के पास से पकड़ा गया था। तीसरा पैंतरा उसी साल 26 मार्च को पाकिस्तान ने भारतीय दूतावास को समन जारी करते हुए यह आरोप लगाया कि रॉ से जुड़े इस अधिकारी की पाकिस्तान में गैरकानूनी तरीके से एंट्री कराई गई और वह बाद में बलूचिस्तान तथा कराची में हुए विध्वंसकारी गतिविधियों में शामिल रहा। भारत ने इससे इनकार किया और बताया कि सरकार के साथ उसका अब कोई लिंक नहीं है। वह 2002 में सेना से रिटायर हो गए थे। चौथा पैंतरा 29 मार्च को पाकिस्तान ने अपनी सफाई में एक वीडियो जारी किया जिसमें जाधव को माफी मांगते हुए दिखाया गया। जाधव यह कहते दिखे कि वह भारतीय सेना में एक अधिकारी हैं और रॉ के लिए काम करते हैं। भारत ने तुरंत इसका खंडन किया और आरोप लगाया कि इस वीडियो में छेड़छाड़ किया गया है। पांचवां पैंतरा अप्रैल 2016 में पाकिस्तान के बलूचिस्तान की प्रांतीय